अभी गाइस गेट नंबर 1 के पास है, देखिएगा गेट को बनाया जा रहा है। देख रहे जो गाड़ी चल रहा है वो उससे जमीन में फुहारे पानी गिरा जा रहा है। पटना के मंगल तालाब, राजगीर, नालंदा, बोध गया और वैशाली में लेजर शो का आयोजन होगा। तो बिहार दिवस से होने वाले प्रमुख कार्यक्रम के आपको डेट बता देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज अभी गेट नंबर 5 के पास है, गांधी के पास। यहां बिहार दिवस को लेकर पूरा सजावट चल रहा है। कोई भी गेट जाएगा तो आपको बंद मिलने वाला है। कल से, आज से समझिए पब्लिक के लिए अंदर जाना बंद हो चुका है। 22 तारीख से 3 दिन तक बिहार दिवस बनने वाला है। बहुत ही जबरदस्त पर बिहार दिवस होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं गेट नंबर 5 के पास है हम लोग। ये देखिए पहले ही से एंट्री गेट को कितना खूबसूरत बना दिया गया है। अभी धीरे धीरे किसी भी गेट में आप लोग जाएगा तो ऐसे ही सजावट आपको दिखने वाला है। बाकी अंदर तो किसी को जाने के लिए अलाउ नहीं मिल रहा है, कोई भी हो। अभी गाइस गेट नंबर 1 के पास है, देखिएगा गेट को बनाया जा रहा है। कुछ गेट इसको काफ़ी खूबसूरत बनाया जाएगा। तो गांधीनगर के जितना भी आप लोग गेट का एंट्री करने वाले हैं सबको खूबसूरत बनाया जा रहा है। अभी देखिए गेट नंबर 1 के पास है, तो यहाँ पर भी देखिए अंदर पूरा सजावट किया जा रहा है। बिहार दिवस को लेकर गांधी मैदान को पूरे खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं बड़ा सा बिहार दिवस का लिखा हुआ बोर्ड भी लगने वाला है। अंदर सेल्फी के लिए बहुत सारा आपको पॉइंट मिलने वाला है, जैसे पिछले साल था। और ड्रोन पता नहीं इस बार उड़ेगा कि नहीं, इस बार कोई अभी कोई आइडिया नहीं है। देख रहे जो गाड़ी चल रहा है वो उससे जमीन में फुहारे पानी गिरा जा रहा है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ेगा, इसलिए उसके कारण जमीन को पूरा थोड़ा कड़ा किया जा रहा है मिट्टी को। आपको बता दें बिहार दिवस में पटना सिटी के मंगल तालाब और गोलघर को लेजर शो आपको देखने को मिलने वाला है। तो बिहार दिवस से होने वाले प्रमुख कार्यक्रम के आपको डेट बता देते हैं। 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, तीनों दिन अलग अलग कार्यक्रम होगा। सिनेमा जगत के गायक जावेद अली गांधी मैदान में हम लोग को दिखेंगे 22 मार्च को। रात 8 से 9:30 बजे तक उनका कार्यक्रम चलने वाला है। 23 मार्च को लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है, वो भी गांधी मैदान में आएंगे 23 मार्च को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। 24 मार्च को सलमान अली भी आने वाले, बहुत बड़े सिंगर, इंडियन आइडल में वो जो कि जीत चुके हैं। उनका टाइम है 8:45 से रात 10 बजे तक। घोड़ा कटोरा, वाल्मीकि नगर, ये सब जगह जो भी घूमने का जगह है सब कुछ फ्री होने वाला है बिहार दिवस को लेकर। पटना जू में स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा रहेगी। बड़ों का तो पता नहीं लेकिन बच्चों के लिए बताया गया कि निःशुल्क फ्री में एंट्री होने वाला है उसके लिए, स्कूली बच्चों के लिए। और बिहार दिवस को लेकर गांधी मैदान में फ्री वाईफाई हम लोगों को मिलने वाला है। पटना के मंगल तालाब, राजगीर, नालंदा, बोध गया और वैशाली में लेजर शो का आयोजन होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांधी मैदान में रक्तदान शिविर, कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी, बिल्कुल फ्री होने वाला है। बिहार दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर। इस खास मौके पर सभी विभागों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाला है। पिछले साल की तरह इस बार भी बिहार दिवस काफी भव्य और बड़ा होने वाला है। राजधानी पटना के अलावा बोध गया, वैशाली और राजगीर में 22 से 24 मार्च तक विभाग द्वारा लेजर शो प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में जाके आप लोग देख सकते हैं। यह शो लगभग 40 मिनट तक चलने वाला है। बिहार दिवस के मौके पर गोलघर के अंदर और बाहर कैंपस में पर्यटन विभाग द्वारा लेजर शो दिखाया जाएगा। जी हाँ, गोलघर के अंदर भी आपको इस बार लेजर शो देखने को मिलने वाला है। इस लेजर शो में पर्यटक वीर कुंवर सिंह की गाथा सहित बिहार के ऐतिहासिक विचारों को दिखाया जाएगा। वहीं गोलघर के अंदर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लेजर शो को देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि मोना सिनेमा में 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख 3 दिन वाला है कि मूवी दिखाया जाएगा। किस तरह का मूवी दिखाया जाएगा ये पता नहीं, बट जो मूवी दिखाया जाएगा आपको टिकट फ्री लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में। चलेगा तो फाइनली अब यहाँ से निकलने वाले, मिलते हैं बिहार दिवस में 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को। 3 दिन कुछ नया नया होने वाला, तो तीनों दिन अपडेट देंगे आपको। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके, बाय, टेक केयर।